गाइज, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज स्टॉप इज मुलेटी चूर्ण यष्टि मधु, जिसे हम यष्टि मधु भी कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप सबको यष्टि मधु के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये किन बीमारियों में काम आती है, कितनी मात्रा में उसे आपको लेनी है और कैसे कैसे इसे यूज़ करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज कॉल्ड मुलेट्टी चूर्ण। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको पैकिंग दिखा दूँ। इसकी पैकिंग जो है ये इस तरह की जो है गोल्डन वाइट और रेड कलर की पैकिंग में आती है। ये डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई मुलेट्टी चूर्ण है, या यष्टि मधु भी आप कह सकते हैं। यष्टि मधु की आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो है इसके बेनिफिट्स है, कई सारी बीमारियों में ये काम आती है। वैसे तो इसे सबसे पहले हम जानते हैं मुलेट्टी को या यष्टि मधु को जो है सबसे पहले हम कफ़ के लिए जानते हैं, कफ कोल्ड के लिए, यानी कि सर्दी खांसी ज़ुकाम या बहुत पुराना कफ हो, गले में किसी तरह की खराश हो, गले की कोई भी तकलीफ़ हो, उसके लिए जो है यष्टि मधु बहुत लाभदायक होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। गले के सभी तरह की परेशानियों से जो है यष्टि मधु जो है वो आपको राहत दिलाती है। यहाँ तक कि जो लोग गाना गाते हैं वे लोग भी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इससे गला जो है पूरा क्लैरिफाई होता है, यानी कि गले में जो भी आपकी खराश होती है वो दूर होती है। और कफ कोल्ड में भी ये बहुत उपयोगी है, सर्दी खांसी ज़ुकाम जो भी हो जाती है उससे भी जो है ये बहुत राहत दिलाती है। और हाँ, ये सिर्फ गले की ही प्रॉब्लम में नहीं, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसे हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आज के डेट में सभी लोग इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रेगुलर यष्टि मधु का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी जो है अच्छी हो जाएगी। ये हमारे डाइजेशन को भी सुधारती है। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत है या प्रॉब्लम है, सही से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो यष्टि मधु के नियमित सेवन से जो है आपकी डाइजेशन की जो है प्रक्रिया वो भी ठीक हो जाएगी। और जो है ये हमें जो है जनरल वीकनेस हमें लगती है, जो हमारे शरीर में कभी कभी एकदम थकान सी हो जाती है या आप वीक फील करते हैं, उसमें भी जो यष्टि मधु है वो बहुत इफ़ेक्टिव एक मेडिसिन है आयुर्वेदा में। इससे जो है आपकी वीकनेस भी कम हो जाती है, और जो है ये पूरे जब ये डाइजेशन को सुधारती है तो आपके पूरे शरीर के कई तरह की बीमारियाँ जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है वो सारी बीमारियों को ये दूर करती है। जैसे कि कंस्टिपिकेशन, आपको अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है, कंस्टिपिकेशन है, उसमें भी जो ये यष्टि मधु है ये बहुत लाभदायक है। अगर आप सुबह शाम इसका नियमित सेवन करेंगे तो आपकी कब्ज़ की शिकायत भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आपके बॉडी के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपके इम्यूनिटी को भी ठीक करती है। और गले में खराश कफ के लिए तो ये जानी मानी जो है रामवान औषधि है, और जो है ये आपके सभी तरह के शारीरिक वीकनेस को भी दूर करती है। तो आप कह सकते हैं कि एक डिब्बी में आपको कई तरह की जो है परेशानियों से जो है मुक्ति मिलने की ये एक मेडिसिन है जिसे आयुर्वेदा ने बनाया है। और ये यष्टि मधु जो है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आयुर्वेदिक है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। चाहे आप उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करें, अपने गले के लिए करें, डाइजेशन के लिए करें या वीकनेस के लिए करें, आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के जो है आपकी बीमारियां ठीक होंगी और आप अच्छा फील करोगे और एक नई जो है ऊर्जा आप में आएगी। ये जो है आपके गले में जो भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है गले में, कई बार खराश हो जाती है या हम बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ लगता है कि फंसा हुआ है, उस तरह की स्थिति में भी जो है इसे हमें लेना चाहिए और इससे धीरे धीरे आपके गले में बहुत राहत होती है। तो इसे लेना कैसे चाहिए, ये तो मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बता दिया। अब मैं बता देती हूँ कि इसे आपको सही तरीका लेने का, कैसे आपको लेना है। इसे जो है आधा से एक चम्मच आप या तो शहद के साथ ले या हल्का सा ल्यूक वॉर्म वाटर के साथ ले, यानी कि हल्का गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं, और नहीं तो शहद के साथ अगर लेंगे तो और बेहतर है। आपको जो ऑप्शन मिले आप उसके साथ लें, और सुबह शाम दोनों टाइम आपको लेना है। अगर परेशानी कम है तो आप एक ही टाइम लें, और अगर परेशानी थोड़ी सी अधिक है या तो आप अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप दो टाइम लें, एक बार सुबह एक बार शाम, शहद के साथ या गुनगुने पानी के साथ। और इसे जो है आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होती है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है।
और जो है किसे इसे यूज़ नहीं करना चाहिए ये भी मैं एक बार बता दूँ, जो प्रेग्नेंट और वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें जो है इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। बिना परामर्श के उन्हें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और बच्चों को भी जहाँ तक है एकदम जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ना ही दिया जाए तो ये बेहतर है। और बाकी नॉर्मल कोई भी इंसान इसे ले सकता है, कोई भी पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को हार्म पहुंचाएगी। तो ये थी इसकी सही तरीका लेने का। इसे आप कंटिन्यू बहुत दिनों तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो ये देखिए 80 रुपीज़ की इसकी MRP है, यानी कि 80 रुपये। ये डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई है और ये 100 ग्राम्स इसकी जो है वो वज़न है। 100 ग्राम की कीमत 80 रुपये है, 80 रुपीज़। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से में जो है ये हमें उपलब्ध है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ये हमारे लक्ष्मी आयुर्वेद में भी उपलब्ध है, आप जब चाहे आके ले सकते हैं और किसी कहीं भी जगह से आप ले सकते हैं इसे, आयुर्वेदिक दुकान से। बहुत अच्छी औषधि है और कफ कोल्ड के लिए जानी मानी औषधि ये है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आप इसे एक बार यूज़ ज़रूर करें और करेंगे तो आप खुद फ़र्क आपको महसूस होगा। होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी न्यू न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। आगे भी मैं बहुत सारे रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ तो उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। बगल में ही बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें और आप इन्फॉर्मेटिव रहें, नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें, आप इन्फॉर्मेटिव रहें, जानकार रहें, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी रहे और आप स्वस्थ रहें। टिल देन टेक केयर, बाय।